में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास, मुख्य सचिव का कार्यालय और राजभवन तक में कोविड 19 के पॉजिटिव पेशेंट सामने आ चुके हैं। भाजपा के तो 24 नेताओं को कोरोना होने की पुष्टि हो चुकी है, वहीं आरजेडी के भी कई नेता इस जद में आ चुके हैं। आलम ये है कि प्रदेश में हर दिन 1000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। वहीं पटना में बुधवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक 650 पेशेंट सामने आ चुके हैं। पटना में 2500 से अधिक कोरोना पीड़ित सामने आ चुके हैं। इस बीच बिहार के विधानसभा चुनाव भी करवाने की तैयारी की जा रही है। जाहिर है कि राजनीति भी जारी है। इसी क्रम में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भोजपुरी में एक ट्वीट किया गया। इसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लिया है। जी हां, लालू यादव ने अपनी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के ट्वीट को टैग करते हुए अपना ट्वीट भोजपुरी में लिखा। जी हां, उन्होंने लिखा है, ए नीतीश, लगभग 4 महीना हो गए बंदी के, जनता से त्राही माम बा, रोजी रोटी जान माल पर आफत बा, तोहर राज में बेरोजगारी भ्रष्टाचार अत्याचार चरम पर बा, 4 महीना से अपन बंगला से 4 बार बाहर ना निकली, ई लुक्का छुपी से कोरोना ने भागते, जब सेनापति मैदान छोड़कर भागिल रही तो लड़ाई के लड़ते। जी हाँ, कुछ ऐसा ही लिखा है लालू प्रसाद यादव ने। लालू के इसके ट्वीट के बाद एक और ट्वीट लिखा गया। जी हाँ, उन्होंने लिखा, 4 महीने में 4 बार नीतीश लोगों के बीच ना गई, बेरोजगारी भूखमरी घुसखोरी अपराध से जनता रोवता, आज नीतीश अपन सुसानी मुखौटा के रंगाई पोताई में लगल बा, बिहार के हाल देखिए हमारा दिल रोवता। जी हाँ, कुछ ऐसा ही लिखा है लालू प्रसाद यादव ने। बता दें कि इससे पहले राबड़ी देवी ने एक ट्वीट किया था जिसमें सीएम नीतीश के सामने नहीं आने को लेकर तंज कसा गया था। राबड़ी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि बाढ़, कोरोना, इलाज का अभाव, जल जमाव, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी समेत अनेक समस्याओं से बिहार त्राही माम कर रहा है, लेकिन सूबे के मुखिया की कोई खोज खबर नहीं है। इतना टोकने के बाद 100 दिन उपरांत अतिथि भूमिका में अवतरित हुए थे, लेकिन फिर अदृश्य हो गए। संकट की घड़ी में सीएम को लोगों के बीच रहना चाहिए। जी हाँ, लगातार ही लालू परिवार तंज कसे हुए है नीतीश सरकार पर। देखते हैं आगे और क्या सुनने को मिलता है। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से। सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।